हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पीटर पैन कॉलर कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। ये मैंने कपड़ा लिया है और मैंने इस तरह से उसे फोल्ड करके रखा हुआ है। इस तरह से मैंने उसकी दो बाजू ली। ये एक बाजू इस तरह से फोल्ड करूँगी मैं नीचे की साइड, जिसके लिए आप बटन लगा सकती हैं। तो ऊपर की बॉडी की लेंथ लूँगी मैं 9 इंच। यहाँ पे मैं गला बनाऊंगी, तो गले का मार्किंग मैं 2 इंच पे करूंगी और शोल्डर का मैं 4.5 इंच पे करूंगी। मतलब मेरा 9 शोल्डर है तो उसका हाफ मैं यहाँ पे लगाऊंगी। आगे का गोला मैं 3 इंच का लूंगी। इस तरह से मैं बॉक्स बना लूंगी। अभी नीचे के लिए निशान बना लूंगी सेम। पीछे का गला मैं 2 इंच पे लूंगी। इस तरह से बॉक्स बनाते हुए मैं गले की गोलाई दे दूंगी। आगे की गले की गोलाई अब आर होल में 4.5 इंच का लूंगी, क्योंकि मेरा शोल्डर 9 इंच का था। इस तरह से मैं चेस्ट का चौथा भाग लूंगी। यहाँ पे मेरे चेस्ट है 22 इंच, तो मैं उसका चौथा ले रही हूँ 5.5 इंच और 1 इंच की मैं मार्जिन लूँगी। बॉक्स बना लूँगी और आर्म होल का शेप दे दूँगी। अब कमर का निशान लगाएंगे। कमर मेरी 20 है, उसका चौथा भाग लूँगी मैं 5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखूँगी। इस तरह से निशान बना लूँगी। ऊपर की साइड में हम जितना शोल्डर दबाएंगे उतना हमें इस तरह से निशान लगा दूँगी और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये इस तरह से निशान पे हम लगा लेंगे। दोनों भावों को इस तरह से रखेंगे हम। इस तरह से ये मेरा बटन पट्टी रहेगा। ये कैनवास है, ये चिपकने वाले कैनवास है, तो ये मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया। अभी इस तरह से ये 2 फोल्ड किया हुआ है। अभी इस तरह से मैं यहाँ पे इस गले को सेट करूँगी ताकि हम इसकी कॉलर निकाल पाएंगे। इस तरह से सेट करना है। अब निशान बना लूंगी गले के। अब मेरा गले का निशान बन गया है। अब 2.5 इंच का, 2.5 इंच के गोलाई का हम एक राउंड बनाते जाएंगे बाहर से, जिसमें हमारी ये कॉलर बन के आएगी। इस तरह से पूरे राउंड में 2.5 इंच का हमें मार्किंग करना है और इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। जो आगे के साइड का गला होगा वहाँ पे इस तरह से आ शेप दे दीजिएगा। ये हमारी कॉलर का शेप हो जाएगा। इस तरह से कट कर लेंगे। अभी
ये दो कॉलर बन गई है मेरी कट होके। अब एक कपड़ा लूंगी मैं जिसका मैं कॉलर बनाने वाली हूँ, इस तरह से मैं इसको प्रेस करके चिपका लूंगी। अब ये घेरे का कपड़ा है, इस तरह से मेरे घेरे के कपड़े को कम पड़ रहा था इसलिए मैं यहाँ पे जॉइंट लगाऊंगी। तो इसकी लेंथ में अब मैं इसकी लेंथ ले लूँगी 12.5 इंच। यहाँ मेरे 11 इंच है, उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन का एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से जॉइंट लगा के ये मेरा घेरे का हो गया है पार्ट। इस तरह से और एक कपड़ा लूंगी मैं, एक पट्टी काट लेंगे उसकी। ये आप अपने हिसाब से काट सकते हो, ये मैंने 2.5 इंच की काटी है। और इस तरह से आगे के पार्ट को हम एक डिज़ाइन के तौर पे इस तरह से हम इसे यहाँ पे अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको इसको कैसे प्रेस करते हो दिखाती हूँ। ये जो चमकीला भाग होता है कैनवास का, वो कपड़े के साइड में हमको रखना है, कपड़ा उल्टा रखना है हमको। और इस तरह से प्रेस हमको धीरे 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 उस पर करते जाना है इस तरह से। तो मैं ऐसे ही दोनों पार्ट कर लूंगी। ये मेरे दोनों भाग चिपक गए हैं, अब मैं इसे कट कर लूंगी। आपको इसको मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसे जैसे अपना कैनवास होगा उसी से हिसाब से आप कट कर लीजिए। और एक कपड़ा लूंगी, उसे 2 फोल्ड करूंगी मैं, और ये इस पे इस तरह से अटैच होगा। हमें इस तरह से सिल के उसको पलट देना है। तो ये मेरे 2 भाग हैं और ये इस तरह से यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो अभी स्टिचिंग देखते हैं। इस तरह से सिलाई लगानी है पूरे गोलाई में। कट कर लेंगे इसे। जहां गोलाई का भाग होगा वहां पे कट लगाएंगे। पलटी कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से पलटी कर लेंगे, कोने वगैरह अच्छे से निकाल लेंगे। आप सुई की मदद से निकाल सकते हो। इस तरह से ये बन जाएगा। और सेम अभी दूसरी कॉलर भी उसी तरह से हमें बना लेंगे। ये दोनों कॉलर मैंने प्रेस करके रखा है, इस तरह से बनी हुई है। ये हमारी फ्रॉक के ऊपर की बॉडी है, इस तरह से हम इसके शोल्डर अटैच कर देंगे। शोल्डर अटैच हो गए हैं, अब इस तरह से इसको खोलेंगे और जो फ्रंट साइड का जो भाग है वहाँ पे एक नोचेस लगा देंगे, जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, जहाँ से हमारी कॉलर को इस तरह से रख के हम स्टिच करते हुए कॉलर अटैच कर देंगे। ये पूरे में आपको स्टिच लगानी है, ये मैं हाफ हाफ करके लगाऊंगी।
मेरी कॉलर लग के तैयार है। अब ये पीछे का पार्ट है जो हमने ये बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, उसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से दिखेगा, इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा देंगे। पीछे के पार्ट को सिलाई लगा दी है। अब इस तरह गले की साइड को तिरछी पट्टी लेके इस तरह से उसको लगा देनी है। पट्टी को खींचनी नहीं, हमें जिस तरह से है उसी तरह से इसे लगाते जाना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और कट लगा लेंगे। पूरी गोलाई में हमें कट लगानी है। ये इस तरह से दबा के ये इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। पीछे के साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे इस तरह से कट कर लीजिए। ध्यान रखिए आपका मेन कपड़ा ना कटे। इस तरह से ही बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे रख के एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे ताकि हम जब अपना घेरा अटैच करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आएगा कॉलर, इस तरह से खुली रहेगी पीछे की साइड में। आप बटन लगा सकते हो वहाँ पे। अब हम लोग आर्म होल को स्टिच कर लेंगे। तो ओरियो पट्टी ली है मैंने और जैसे कि हमने गले पे अटैच किया था सेम उसी तरह से हमने ये बना लेना है। मेरा एक साइड का आर्म होल तैयार हो गया है, उसी तरह हमें दूसरे आर्म होल को भी तैयार करना है। मैंने दोनों साइड का तैयार कर लिया है। अब इस तरह से इसको उल्टा रखेंगे। और हमारे चेस्ट का हाफ भाग, मतलब अभी मेरा चेस्ट है 22 इंच, उसका हाफ मतलब 11 इंच, मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। और सेम हम कमर का भी वैसे ही करेंगे। मेरी कमर है 20 इंच तो उसका हाफ होगा 10 इंच, तो मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से निशान बना लेंगे और एक साइड को हम स्टिच कर लेंगे।
जो हमने पट्टी काटी थी वो मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है। वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने वो दिखाया नहीं है आपको। इस तरह से हम चुन्नटें ले लेंगे। यहाँ पर मैं सिंपल वाली चुन्नटें ले रही हूँ। आप यहाँ के नीचे के भाग में बॉक्स प्लेटेड भी ले सकते हो या फिर अम्ब्रेला घेर भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियो देखनी है मेरी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। बट मैं यहाँ सिंपल तरीके से ही कर रही हूँ। इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स लगाते हुए हम पूरे घेरे को तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने चुन्नटें डाल दी हैं पूरे घेरे में। अब नीचे का भाग इस तरह से फोल्ड करूंगी मैं। जितना आपने मार्जिन छोड़ा है उतना ही हमें दबाना है। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। इस तरह से फ्रॉक बन के रेडी है। अब ये ऊपर की साइड में यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा दूंगी ताकि हमारी जो कॉलर है वो अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से पूरे में मैं सिलाई लगा लूंगी। ये पूरे में सिलाई लगा ली है। इस तरह से जो नीचे का भाग उतरेगा यहाँ पे आपको तुरपाई कर देनी है। तो इस तरह से मेरा फ्रॉक बन के रेडी है। तो मैं देखिए यहाँ पे मैंने तुरपाई कर ली है और इस तरह से ये बहुत सुंदर फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिए।